मैंने अभी चेंज किया है मेरे में कि मेरे को जो करना है मैं वो करके ही रहूंगा। मेरा एक गोल सेट कर दिया मैंने। या वो आएगा लगभग 2 या नहीं 3 या 4 तारीख को कुछ आएगा, बिकॉज आई हैव अ राइड। उसके हमारे पैर स्टेबल हो रहे थे जमीन पे, वो टाइम से सब डॉट लगना स्टार्ट हो गई। मैं जो भी है प्राइम पे बता रहा हूँ। टाटा कहाँ जा रहे तुम? और हम खेल रहे अभी बैडमिंटन विथ माई मॉम। और कौन से गाँव जा रहे? ओह शिन्नूर जा रहे। उजेर कहाँ है? उजेर उजेर इधर आ, इधर आ, पीछे 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 पीछे। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। कैमरा चालू हुआ तो ज़्यादा फुटेज खाते हैं लोग। आशफाक तो हम अभी खेलेंगे भाई बैडमिंटन। ये तो सवारी चली और ये व्लॉग्स में ज़रूर मिस होने वाले। व्लॉग देखेंगे कि नहीं गाँव से? चल और एक आया फुटेज खाने के लिए। हाय गाइस कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे। तेरे पीछे भी चैनल है गाइस, सब्सक्राइब। ओके और कुछ तेरू नाक दिख रही है जीने दिन और सीधी होती जा रही है एकदम। क्या क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? गाइस की बिरयानी किधर है? बोले गाइस की तंदूरी बिरयानी। गाइस की बिरयानी गाय में चली गई। सो हेलो एंड सलाम, नमस्ते एंड वेलकम बैक। भाई के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है तहे दिल से। भाई साहब आज की एक्सरसाइज बहुत ही तबीयतदार हुई, यानी कि लगभग मैंने 1 घंटा ओनली अपने बॉडी को वार्म अप के हिसाब से यूज़ किया। आज सारे इक्विपमेंट्स यूज़ किए, वो जो सीनियर सिटीजन के लिए ओपन एयर जिम होता है वैसे ही भाई हम जवानों के लिए भी है, यूज़ कर सकते हैं। तो आई यूज इट। जिम लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना जल्दी डोंट वॉन्ट टू गो जिम। अभी फ़िलहाल में ओपन एयर वॉकिंग जॉगिंग, क्योंकि जो चेस्ट में हमारे पेन हो रहा था बिकॉज ऑफ एसिडिटी तो वो थोड़ी बहुत कम हो चुकी है। एंड आई एम फीलिंग थोड़ी बहुत नहीं, लाइक 90% इज ओके नाउ। तो कोई टेंशन नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट मी शो यू गाइस, ये अपने जो गाड़ी है ये अब्दुल भाई की और ये छोटे वाले की, जो कि हम दोनों यूज़ करते हैं फॉर राइडिंग। तो अब ऐसा है कि सिर्फ ये दो बाइक हमारे घर में अलग नंबर प्लेट के साथ में है। नंबर प्लेट इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो लाइक फैमिली नंबर होता है, कि हम लोग जब भी नया गाड़ी लेते हैं तो नंबर सेम होता है हमारा, विच इज़ कॉल्ड लकी नंबर। जो नंबर मिलेगा वो सीरीज में वो ले लेंगे हम लोग। प्रीमियम नंबर्स है लाइक 1688 2514। तो ये नंबर भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बस भाई साहब नंबर देख के कहीं भी गाड़ी दिखी तो रुकाना मत, या फिर आके बैठ के फ़ोटो वोटो लेना मत, क्योंकि क्या है थोड़ा आप तो देख ही रहे हैं ब्लॉग में कितना मेहनत से बनाते हैं गाड़ी को और बहुत सारी चीज़ें। मेरी इसके पहले जो सुल्तान थी जिसको इतना मेहनत से मैंने संभाला था, तो वो गाड़ी को भी बहुत सारे स्क्रैचेस दिए पब्लिक ने, जो कि बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि अब फिर से वही दौर आया जाए। तो यस गाइस, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हेलमेट है हमारा, इसको हुए लगभग अब 5-6 साल के करीब कुछ हुआ है इस हेलमेट को। एंड ये हेलमेट का जो सेटअप है मैं आप लोगों को बताऊं, इसके पहले वाले व्लॉग्स में भी बताया है, बट बार बार बताते इसलिए रहते हैं कि जो न्यू कमर्स है, न्यू व्यूवर्स वी कैन से, जो लोगों के लिए, तो भाई साहब अपना हेलमेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इसके अंदर के जो पार्ट्स है वो भी ऑलमोस्ट ख़राब होने के ताल पे है, और ये देख रहे हो ये थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अभी भी है। हेलमेट का जो ड्यूरेशन हो चुका है ऑलमोस्ट 5 to 7 years 6 years के करीब कुछ हुआ है। तो ये हेलमेट की स्टोरी इतनी खास है कि एक हम लोगों का हुआ था प्लान, अमित भाई, जगदीश, डॉक्टर जगदीश भाई, जो जगदीश पाटिल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कि मैं इन लोगों के साथ में राइड पे गया था लोनावला। नाइट आउट राइड था वो भी, लाइक रात का ही पूरा कंप्लीट राइड था हमारा, और प्लानिंग ऐसा था कि अर्ली मॉर्निंग विल बैक इन पुणे। तो हम लोगों का लोनावला आउट जो राइड हुआ उस टाइम पे, मतलब खाना पीना वो सब कुछ 3:30-4 बज रहे थे सुबह के। एंड सब होने के बाद लाइक भी हम लोगों का प्लान हो गया था थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो बैग मैंने सर के नीचे रखी और हेलमेट मेरे बैग के पीछे, एंड टिगर पॉइंट पे का सीन था ये। तो मैं जैसे ही बैग पे अपना सर रखा, तो भाई साहब पता नहीं कैसे किसका हाथ लगा, क्योंकि और 4 से 5 राइडर्स मेरे साथ में कुछ थे,
लगभग टोटल हम लोग 7-8 राइडर थे, मैं और स्टीवन मेरे बाइक पे थे, पूरा सैडल बैग मेरे ड्यूक 200 पे था, पर यूँ कि पता नहीं किसका हाथ लगा, मेरा और का हाथ, तो वो लगने के बाद ऐसे हेलमेट ऐसे रोल होते हुए नीचे आ रहा था और हम लोग भी स्पीड में उठ के भागने लगे, लेकिन तब तक हेलमेट चले गया। फिर उसके बाद जो है अमित भाई ने मुझे ये हेलमेट एज अ गिफ्ट बोला, उसके बाद से मैंने अभी तक कोई भी हेलमेट खरीदा नहीं, और ये हेलमेट जो है SMK का है, इसमें भी अभी नया आया है SMK का, लेकिन फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम है, तो बस इतना है कि अभी इसकी क्वालिटी जो है ख़राब हो गई, तो दिस कि इसके ज़रिए हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो गाइस हम लोग बिलोंग करते हैं बहुत ही डिफरेंट कल्चर से, और अपने घर का कल्चर ही सबसे ख़तरनाक है और अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिटल वाला मेंटालिटी नहीं है। और मैं ये आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि मैं शेयर करूँ, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं अपनी बात, अपनी स्टोरी और अपनी चीज़ों को मैं नहीं बता पा रहा हूँ, और मैं ठीक से इलैबरेट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर दिखाना किसी के लिए सेफ भी होता है और किसी के लिए नहीं भी होता है। तो ये सब कुछ डिसीजंस लेने के बाद आज मेरा प्लान हुआ है कि यस आई विल ट्राई टू शेयर, और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं अभी धीरे धीरे दे आर ओवरकमिंग, लेकिन कैसा है ना कहीं होता ही है, वी विल हैव टू होल्ड। तो मैं नहीं चाहता कि आगे कोई बड़ा सीवियर सा प्रॉब्लम आए या फिर XYZ जो कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे घर वाले सोशल मीडिया और आप लोगों को लेके खुश हैं एंड मेंटालिटी ओपन हो रही है, मतलब मैं बताना जो चाह रहा हूँ आप शायद समझ रहे हो, तो बैकग्राउंड है भाई बहुत ही पुअर था, डैड ने बहुत मेहनत की, मॉम ने भी बहुत मेहनत किया, डैड को बहुत सपोर्ट किया, अभी अपना भी पीरियड चल रहा है कि हम लोग बहुत मेहनत करने की कोशिश पे है, लेकिन कैसा है ना काम होते भी और नहीं भी होते, ही हमारे पैर स्टेबल हो रहे थे ज़मीन पे, वो टाइम से सब वाट लगना स्टार्ट हो गई, मैं जो भी है फ्रेंकली बता रहा हूँ, लॉकडाउन वगैरह हुआ, फिर बिजनेस पूरा स्लो डाउन हो गया एंड बिजनेस नहीं के बराबर, फिर आई स्टार्टेड विद माई जॉब भी करने लगे हम लोग, क्योंकि भाई मिडिल क्लास सबके बंदे के सपने पूरे करना इतना आसान नहीं है, अब कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, अभी तक जितना भी हमने किया, लाइक आई बाई TTM 250 एडवेंचर भी ख़रीदा था अपने लिए, लेकिन फिर उसका EMI मैं हैंडल नहीं कर पाया बिकॉज बिजनेस ही नहीं हो पा रहा था, एवरी मंथ 7000 EMI आ रहा था, मैंने बाइक बेचने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा माहौल बन चुका था कि आई लॉस्ट माई बाइक, आई लॉस्ट माई फ़ोन, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था मुझ पर, आई स्टार्टेड विथ माई जॉब मार्केटिंग में ही, क्योंकि इसके अलावा अपने को कोई दूसरा काम आता ही नहीं है बॉस। तो फिर आई लाइक स्टार्टेड अगेन, जैसे ही थोड़ा बहुत सेटलमेंट होने लगा, आई स्टार्टेड विथ माई बिजनेस एंड जस्ट चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कैसा है घर वालों का सेटलमेंट और ये सब बैकग्राउंड बैकअप वगैरह देख के चलना पड़ता है, तो इसके वजह से ब्लॉग्स में आना थोड़ा सा देरी होता है, और यही न्यू ईयर रेजोल्यूशन है इस बार का मेरा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ, अभी मुझे 20-25 डेज हो गए वेयर आई एम वर्किंग ऑन इट, ऊपर वाले का बहुत लाख लाख शुक्र है अल्लाह का कि मैं इस्तेकामत के साथ उसके ऊपर डटा हुआ हूँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है वो भी बताऊँगा थोड़े टाइम में कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, और उसका भी वीडियो बहुत अच्छे से बनने वाला है, वो आएगा लगभग 3 या 4 तारीख को कुछ आएगा, बिकॉज आई हैव अ राइड उसके पहले, तो देखते हैं वो भी कितना जल्दी पॉसिबल होने वाला है, तो राइड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है, एंड ऑल थैंक्स टू माई दिस SJ6, ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, नॉट ओनली फॉर यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत बार बचा हूँ, मैं मतलब पुलिस वालों की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग की जो है, लेकिन मैंने कभी यूट्यूब पे शो नहीं किया उन सारी चीज़ों को। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है होता ही क्या है, कि हमारा एक गोल सेट होता है कि हमें उसके लिए वर्किंग करना है, एंड उसी के लिए वर्किंग करते हैं, करते रहते हैं, तो कामयाबी और सक्सेस जो भी बोलो वो मिलते रहती है। तो यस, अगर अपना गोल सेट है और हम उस पर हम उसके ऊपर डटे हुए और हमें करते ही रहना है, तो ही वो होने वाला है। तो यस, अभी तो हमने भी हमारा गोल सेट किया और हमें कर ही रहना है, बाकी हम तो चाह रहे हैं कि भाई गाइज हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्राइबर्स हमें सपोर्ट करते रहे, इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पे भी फॉलो करो हमें, एंड आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाला है वो भी कमेंट डाउन करना, ताकि मैं भी पढ़ूँ और उसके ऊपर मैं भी रिप्लाई दूँ। तो वैसे न्यू ईयर होके चले गया, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा माना जाता है ये न्यू ईयर, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए, जैसे कि कुछ तब्दीली होनी चाहिए, कुछ चेंजेस, तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? मैंने अभी चेंज किया है मेरे में,
कि मेरे को जो करना है मैं वो करके ही रहूँगा। मेरा एक गोल सेट कर दिया मैंने, या आने वाले पूरे साल भर में जो मुझे अचीव करना है वो हम करके ही रहेंगे और वो दिखाएंगे भी। पैसा कमाना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। हाँ, और कुछ तो खुशियाँ चाहिए जिंदगी। टेंशन आ रहा है क्या चीज़ का? आने वाला साल कैसा रहेगा? कैसा रहेगा आने वाला साल? और क्या लॉकडाउन अच्छा होता और लॉकडाउन होगा या फिर तो और क्या होगा? क्या लगता है? हालत बहुत बुरी है पब्लिक की, होना नहीं चाहिए। तो गाइस देख रहे हो, मेरी मम्मी का कहना ये है कि भाई साहब लॉकडाउन ना हो, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास पीपल या फिर हमारे से भी गरीब लोग जो भी जैसा भी बोलो, फिर सब के सब तकलीफ में आएंगे, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन वाले भी तकलीफ में आएंगे। फिर रही बात ये, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। बस आज की कुछ दिली बात थी और मैं ऐसे कुछ ओपन वीडियो बनाना चाह रहा था जी, ये जो मैंने आपको बताया कि यस आई एम ट्राइंग एंड माई फैमिली इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी कम्फर्टेबल विद द कैमरा। अपन तो है ही, लेकिन अभी क्राउड आता है, लेकिन जब क्राउड आता है तो कम्फर्टेबल जोन अपना भी निकल जाता बाहर, कि वो कंफर्टेबल होती नहीं है क्राउड में। तो अब ऐसा है कि हाँ आई एम लिटिल बिट कंफर्टेबल, क्योंकि डेली व्लॉग्स डेली मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो यस थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा हूँ। अभी मेरी मॉम भी है, थोड़ा सा ओपन हो गया है, मर रहे थोड़े डैड। तो जो भी है जैसा भी है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को जो भी जैसा भी लगा, प्लीज़ डू लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब करना भूलो मत। क्यों मम्मी सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए इस वीडियो को। एंड दुआ में याद रखना आने वाले नेक्स्ट व्लॉग तक, तब तक के लिए फिर हमारे टेक केयर।